Hello students, today we will discuss the relationship between education and philosophy in this video. Education without philosophy is useless, and philosophy without education is invalid. यानी जो शिक्षा है वो दर्शन के बिना बेकार है और दर्शन जो है वो शिक्षा के बिना अवैध है, क्योंकि दोनों ही शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं. द डिफरेंस बिटवीन दैट फिलोसफी इज कंटेम्पलेटिव इन नेचर एंड एजुकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. यानी दर्शन जो है विजडम से रिलेटेड है, आइडियाज, हमारे थॉट्स, ये सब दर्शन में आते हैं और शिक्षा इन आइडियाज को प्रोसेस में लाती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है. फिलॉसफी गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन. Education means the modification of the child's behavior. The direction in which this change should be carried out and what should be the standards and values to strive for is given by philosophy. अर्थात शिक्षा जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, और ये परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए ये हमें फिलॉसफी बताती है. इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कौन सी वैल्यूज का विकास होना चाहिए, कौन से मूल्य बालक में आने चाहिए, किस तरह से इसका डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब हमें फिलॉसफी बताती है. फिलॉसफी क्लैरिफाई the way to be followed by the educators in the modification of the child's behavior and determines the course of life and national international aims of education. Philosophy thus gives direction to education. अर्थात दर्शन जो है वो हमारे शिक्षक को एक दिशा निर्देश देता है कि वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएं, उनका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य क्या होना चाहिए. मान लो कोई देश गुलामी की अवस्था में है तो उस देश की आवश्यकता है कि उसके देश के जो छात्र हैं वो एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी बने, तो उसी तरह से इसके पाठ्यक्रम होगा, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां होंगी और शिक्षक की भूमिका इस तरह से बदल जाएगी. शिक्षक एक ट्रेनर की तरह भी काम करेगा योद्धा बनाने में. इसी तरह से अगर कोई देश बहुत ज्यादा विकसित है वो चाहेगा कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े, मेरी सुपीरियरिटी बनी रहे, तब उसके यहाँ का पाठ्यक्रम डिफरेंट हो जाएगा. उसके पाठ्यक्रम में सारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स होंगे साइंस के, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब होंगे, और बहुत सारे रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसर्च लैब्स बनाई जाएंगी जिससे उनके यहाँ के स्टूडेंट अच्छे रिसर्चर बन सकें, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो. The function of philosophy is to seek relational approach to any phenomena. Education is the process by which the findings made by any philosopher can be propagated to the next generation. Philosophy, अर्थात दर्शन का जो काम है वो किसी भी घटना के कारण तक पहुंचना, दर्शन का काम है, और इसके द्वारा जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ, जो भी हमें
इंफॉर्मेशन मिली वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना ये शिक्षा का काम है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। एवरी फिलोसफिकल थॉट आर पुट इनटू प्रैक्टिस बाय एजुकेशन। यानी जितने भी दार्शनिक जो अपने विचार देते हैं या कोई सिद्धांत देते हैं तो उसको शिक्षा के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं है जब तक एजुकेशन के द्वारा उनका इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए। तो शिक्षा जो है वो हमारा एक एक्टिव साइड है, एक प्रैक्टिकल साइड है दर्शन का। फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल डोमेन दैट हैज मेनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज विच हैव अ ग्रेट फिलोसफिकल इंटरेस्ट। जो हमारी शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जिनमें दर्शन का इंटरफेयर होता है। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एजुकेशन आर द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम डिसिप्लिन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होने की वजह से शिक्षा का संबंध राज्यों से भी है, शिक्षा का संबंध पाठ्यक्रम से भी है, शिक्षा का संबंध प्रशासन से भी है, शिक्षा का संबंध फाइनेंस से भी है, अनुशासन से भी है, क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये हमारा अनुशासन कैसा हो, हमारी शिक्षा के लिए फाइनेंस कहाँ से आए, हमारी शिक्षा का प्रबंधन कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, राज्य का क्या रोल होना चाहिए हमारे शिक्षा की प्रणाली में, केंद्र का क्या रोल होना चाहिए शिक्षा शैक्षिक प्रणाली में, ये सब हमें दर्शन से मिलता है। हियर दैट द फिलोसफी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू एजुकेशन ऑन द अबव मेंशन्ड इश्यूज एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ थ्योरी ऑफ नॉलेज फॉर एजुकेशन टू वर्क अपॉन। तो आपने देखा कि ये दर्शन जो है हमारी शैक्षिक प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें शैक्षिक प्रणाली के जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो सब दर्शन के द्वारा हल की जाती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफी कैन ऑल्सो बी सीन इन द कंसेप्शन ऑफ मैथड्स ऑफ टीचिंग, द रोल ऑफ टीचर्स, डिसिप्लिन, टेक्स बुक, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन, द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट, एवरीवेयर आर डिटरमाइंड बाय फिलोसफी। तो दर्शन का प्रभाव शिक्षा में हर जगह देखने को मिलता है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली का प्रबंधन कैसा है, अनुशासन कैसा है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये हमें दर्शन बताएगा कि शिक्षक जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाए तो वो परिवर्तन का परिणाम क्या हो, उसके द्वारा क्या मूल्यों का विकास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में कौन से मटेरियल होना चाहिए जिसे छात्र पढ़े, और हमारा इवेल्युएशन का क्या मेथड होना चाहिए, ये सब हमें दर्शन बताएगा। थैंक यू।